हम आपके पास में चल कर के आए हैं, हम कौन से देवता की पूजा करें जिससे तत्काल शांति हमें मिले, उसके बारे में पूरा विधान आप हमें बताएं। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं, सब अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, तो सभी को भगवान के शिवलिंग का अर्चन करना ही होगा। सबको शिवलिंग अर्चन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर की पूजा यदि किसी व्यक्ति ने त्यागी है तो इसका परिणाम है उसके जीवन में अपराध बढ़ गए। यह भगवान विष्णु के शब्द हैं। भगवान नारायण ने कहा, लिंग मूर्ति महेश्वर की पूजा को त्याग करके तारकासुर के पुत्रों ने अपना सब कुछ खो दिया, महादेव त्रिपुरारी बनकर उन्हें कब समाप्त कर दिया। इसलिए मेरी बात माने, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए, पुत्र भवन जायदाद इत्यादि प्राप्त करने के लिए धरती के जनमानस को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, ऐसा भगवान विष्णु बोले। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान इधर हो, यहाँ परिसर में जितने भी बैठे हैं वह है और मुझे सुन पा रहे हैं वह, किसी भी देवी देवता के आप पुजारी क्यों ना हो, भगवान महादेव को अपनी पूजा में जरूर विराजित कीजिएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी विपत्ति वही है, देवताओं से अलग हो जाना, और जीवन का सबसे बड़ा धन वही है, संत गुरुजनों से जुड़ करके, भगवान से जुड़ करके अपने जीवन का निर्वहन करना। एक बार राम जी ने हनुमान जी को पूछा, हनुमान विपत्ति की परिभाषा क्या है, क्या है विपत्ति? हनुमान कहते हैं, कई हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सोई भजन होई, कई जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है जब तक सुमिरन भजनन हुई। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कथा में पहुंच करके टाइम पास करने के लिए जाया जाता है क्या? कथा आरंभ हुई है और आप इधर उधर मत भटकिए, थोड़ा सा एकाग्रचित होकर के बैठिए, आज की कथा हल्ला बोल आनंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे सूत्रों का वर्णन भगवान व्यास ने किया। पूर्व में मैंने पांच देवताओं को मंदिर में बिठाने के लिए बोला है, उसमें भगवान शंकर का शिवलिंग है। शिवलिंग के सानिध्य में जो भी सत्कर्म दान पुण्य किया जाता है वो करोड़ गुना तत्काल हो जाता है, इतनी बड़ी महिमा है। भगवान के निर्देश अनुसार भगवान श्री विश्वकर्मा जी को बुलाया गया और विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बनाना शुरू कर दिया और देवताओं को प्रदानित किया। वर्णन किया है कि इंद्र के लिए पद्मराग मणि का शिवलिंग बनाया गया, पद्मराग मणि का नाम है, उसमें से एक शिवलिंग बनाया गया जो कि देवराज इंद्र को दे दिया, और आज भी इंद्र पद्मराग मणि के बने हुए शिवलिंग के ऊपर अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं। तत्पश्चात एक सोने का शिवलिंग बनाया गया जो कि कुबेर को वह शिवलिंग दे दिया गया, धनपति जो कुबेर हैं वह स्वर्ण के शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव की, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उसके तत्पश्चात एक पीत मणि आती है, मणि का नाम है पीत मणि, पीला रंग है उसका, पीतल नहीं है, पीत मणि है, और इसका शिवलिंग बनाया गया जो कि धर्मराज को दे दिया गया। धर्मराज आज भी पीत मणि के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। एक श्याम मणि नाम का पत्थर आता है, उसमें से भी एक शिवलिंग बनाया गया जो कि भगवान वरुण देवता को वह शिवलिंग प्रदानित कर दिया गया।
तत्पश्चात नीलमणि का एक शिवलिंग बनाया गया जिस पर आज भी भगवान विष्णु, नीलमणि के ऊपर भगवान विष्णु, उसके ऊपर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक नित्य करते हैं। और एक हेममणि नाम का स्टोन है, पत्थर, उसका एक शिवलिंग बनाया गया, उसके ऊपर ब्रह्मा जी नित्य आज भी उसके ऊपर अर्चन करते हैं। चांदी के शिवलिंग बनाए गए, एक बसुओं को दिया गया और एक लक्ष्मी माता को दिया गया। तत्पश्चात पीतल के शिवलिंग बनाए गए जो कि अश्विनी कुमारों को दिया गया। स्फटिक का जो शिवलिंग है यह भी माता लक्ष्मी ने अपने पास में रख लिया। तांबे का जो शिवलिंग है वो सूर्य भगवान ने अपने पास में रखा। मोती का शिवलिंग बनाया गया, उसके ऊपर आज भी चंद्रमा भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। वज्रलिंग अग्नि देवता को दे दिया गया और ब्राह्मणों ने मिट्टी के शिवलिंग पर, स्त्रियों ने, माताओं ने मिट्टी के शिवलिंग पर, जिसको पार्थिव पूजा कहते हैं, माताओं के लिए धरती पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजा करना यह वरदान से किसी वरदान से कम नहीं है। हर कार्य पूरा हो जाएगा। यूँ तो माटी के शिवलिंग बनाकर सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन माताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जिस समय प्रभु श्री राम जी लंका के लिए जा रहे थे तो बालू की मिट्टी मिलाकर के माता जानकी ने शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन किया, और आज भी माता जानकी के द्वारा बनाया गया शिवलिंग रामेश्वर मंदिर में उसका दर्शन होता है। माताओं के लिए पार्थिव पूजा शिव महापुराण के अंतर्गत बहुत ज़्यादा विशेष मानी गई। ब्राह्मण और मातृशक्ति के लिए मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का बहुत बड़ा प्रभाव है। नागों के लिए चंदन की लकड़ी के शिवलिंग बनाए गए, सर्पों ने उसके ऊपर महारुद्राभिषेक किया। माँ दुर्गा ने मक्खन के शिवलिंग बनाए गए, उसके ऊपर पूजन किया। और इतना ही नहीं है, योगी लोगों ने भस्म के शिवलिंग बनाए, उसके ऊपर उन्होंने पूजन किया। दही के अभी शिवलिंग बनाया गया, यक्षों ने उसके ऊपर पूजन किया। सूर्य भगवान की पत्नी है जिसका नाम है छाया, और ये वही है जो शनिश्चर जी की माँ है। दो पत्नियाँ थी ना, संज्ञा और छाया। संज्ञा ने अपनी छाया से इस स्त्री को तैयार किया था। इसने मिट्टी के शिवलिंग पर भगवान महादेव का पूजन किया। रत्नमय लिंग ब्रह्मा जी की पत्नी माँ शारदा ने उसके ऊपर पूजन किया। और पारे के शिवलिंग के ऊपर धरती माता ने शिव पूजन किया, आज भी माँ करती है। पारदेश्वर गरीबी का नाश करते हैं, संपदा को देने वाले। ये मेरी बात सुन लो, ये बातें तुम्हें कोई नहीं बताएगा। पारदेश्वर धरती माता ने, पृथ्वी माता भी भगवान महादेव की रोज पूजा करती है, और माँ धरती के पास में भी एक शिवलिंग है पूजन के लिए जिसका नाम है पारदेश्वर। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, हजार हजार यज्ञ करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है उतना फल तो सिर्फ सिर्फ शिव पिंडी का शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसके ऊपर फूल पत्तियां चढ़ा दें, उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ा दें, अभिषेक कर दें, एक लोटा पानी चढ़ा दें, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हजार यज्ञ का फल तो उस समय तत्काल प्राप्त होता है जिस समय आप शिवलिंग का सिर्फ दर्शन ही कर लेते। ताली मत बजाना, लाज नजर लग जाएगी। एक बार जोर से बजा के देखिए। यह पूजा की बात बताई गई। फिर कहा गया है कि यह पूजा के लिए स्थान कौन सा ज्यादा प्रभावशाली है, कौन सी जगह पर पूजा का यह स्थान। कहा, घर पर पूजा एक गुना फलदायी होती है। बहुत ढंग से सुनिएगा, एक गुना फलदायी होती है। गऊओं के स्थान पर उसका गौशाला में दसों गुना फल ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे भी दस गुना जल के निकट, कोई नदी सरोवर के किनारे आप पूजा करते हैं तो उसका और दस गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं तो कहता हूँ, कभी आप गंगा जी नदियाँ नहाने के लिए जाते हैं तो शिवलिंग संग लेके जाइए। स्नान के बाद वहाँ किनारे पर बैठ करके एक अभिषेक जरूर कीजिएगा, उसका कई गुना फल बढ़ जाता है।
उससे भी दस गुना ज्यादा फल है, वो बेल के पेड़ के नीचे बैठ करके, बेल वृक्ष के नीचे। तुलसीवन आश्रम ने एक बहुत बड़ा बेल वन लगाया है, आने वाले समय में आप इसका दर्शन करेंगे और यहाँ नीचे बैठकर आप भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक भी करेंगे। और ये बेल वन लगाया ही इसलिए, 2027 में मेरे एक बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति होगी और इसी बेल वन में आयोजन होगा। तब तक 5 साल में ये वन बुनू करके एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि बेल पेड़ के नीचे यदि भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो उसका और 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। तुलसी और बरगद के जड़ों में बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो बेल पत्र से भी ज़्यादा, बरगद और तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके। लोग कहते हैं महादेव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ती, और हम इस ग्रंथ के माध्यम से कहते हैं शंकर जी के ऊपर तुलसी चढ़ती है, चढ़ती है और चढ़ती है, मुक्ति को प्रदानित करती है महादेव के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी। आज की कथा में बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। तुलसी और बरगद के नीचे बैठ करके भगवान का अभिषेक किया जाए तो उसका और 10 गुना ज्यादा फल बढ़ता है। देवालय जहाँ शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित किए गए हैं वहाँ बैठ करके अभिषेक किया जाए तो और 10 गुना फल है उसका ज्यादा। किसी तीर्थ में भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो उसका और 10 गुना ज्यादा है। किसी नदी के किनारे पर इसको अभिषेक किया जाए तो और ज़्यादा 10 गुना फल है, और वो भी नदी किसी तीर्थ में है उस नदी के किनारे बैठकर अभिषेक किया जाए तो उसका फल और ज़्यादा है। सप्त नदियों के किनारे पर बैठकर यदि भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो उसका फल कई करोड़ों गुना होता है। सप्त नदियाँ कौन सी हैं, जैसे सप्त गंगा के नाम से जानते हैं, एकाद श्लोक बोल दूँ। सप्त गंगा नदी तीरम तस्या दस गुणम भवेत, गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयूरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। गंगा गोदावरी कावेरी ताम्रपर्णी सिंधु सरयू और माता नर्मदा, इनको सप्त गंगा के नाम से जाना गया है यहाँ पर, और इसका 10 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, सप्त नदियों के किनारे भी शिवलिंग का पूजन करते हैं उससे भी 10 गुना ज़्यादा फल कहाँ है, लिखा है, वर्णन किया गया है, कहाँ पर है वर्णन किया, सिंधुश्च सरयू रेवा सप्त गंगा प्रकीर्तितं ततोब्ध तीरम दसम। उससे भी ज़्यादा समुद्र के किनारे बैठ करके भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो सप्त गंगा से भी बढ़कर 10 गुना और ज़्यादा फल है, कहाँ, सागर के किनारे। इसलिए तुलसीवन आश्रम रामेश्वर की पवित्र धरती पर बिल्कुल समुद्र के किनारे एक दिव्य आश्रम बनाने के लिए जा रहा है। इतना अद्भुत समुद्र इतना दूर है जितना दूर मेरे पास से आते हैं, बस बीच में एक 40 फीट की सड़क है, 40-50 फीट की, इधर आश्रम है, बीच में 50 फीट की सड़क और बिल्कुल सागर का किनारा लगा हुआ है। बस यही श्लोक पढ़ा था इस महापुराण में कि समुद्र के किनारे भगवान महादेव की पूजा पाठ करने से उसका जो फल है वो बहुत गुना जाकर के बढ़ जाता है। अब के बार सावन में हम इसी स्थान पर कम से कम 9-10 दिन लगा करके आएंगे, आपको सूचना मिले तब दौड़ते हुए श्री रामेश्वरम चले आना। तुलसीवन आश्रम ने आप सबके सहयोग से एक बहुत बड़ी जमीन की रजिस्ट्री करा ली है, अब कैंसर हॉस्पिटल के काम में लग गए, नहीं तो उसका निर्माण भी चालू करा देते। इसमें है तस्वीरें कहीं दिखाओ, आप गए होंगे रामनाथ रामेश्वरम, ना गए हो तो इस स्थान का जरूर दर्शन करने को जाइए। क्यों, जो रामेश्वर दर्शन कर, जहाँ से मैं बोला हूँ वहीं से, जो रामेश्वर दर्शन तनु मम
रामेश्वर रामनाथ का दर्शन करके मौत को प्राप्त होता है वो सीधे मेरे धाम जाता है। ऐसी अद्भुत जगह रामनाथ रामेश्वरम, और वैसे भी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। माइक खोलो, रामेश्वर भगवान बोले रामनाथ भगवान की जय हो। तुलसीवन आश्रम को यह सौभाग्य मिल गया है सागर के किनारे आश्रम बनाने के लिए। वृंदावन के भक्ता तो बहुत जाते हैं वहां, कब से जा रहे होंगे, अनादि काल से। एक कथा सुनाने को गया था शिवरात्रि पर, महादेव ने ऐसी कृपा कर दी है उस कथा की दक्षिणा के रूप में कृपा करके अपने चरणों में रहने का सौभाग्य दे दिया। कितना अद्भुत आश्रम बनने को जा रहा है वहां। जो भी हमें फॉलो करता है, हमसे जुड़ा है, वो तो इस आश्रम में जरूर जाएगा। होटल नहीं, आश्रम बना रहे। और आश्रम उसे कहते हैं जहां रहने की चिंता नहीं और खाने की चिंता नहीं, बिल्कुल आश्रम है। ऐसी जगह पर जरूर पधारिएगा। लिखा है ततो गतिरम दशम च पर्वताग्रह ततो दश सर्वस्यादधिकं गेहं यत्र वारोचते मनः। पर्वतों पर भी भगवान शंकर का अभिषेक करने पर और 10 गुना ज्यादा फल मिल जाता है, लेकिन जहां मन एकाग्र चित्त हो जाए वहां पर शंकर जी का अभिषेक करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। जहां मन स्थिर हो जाए, बताते हैं कि सतयुग में जो पूजा करते थे उसका पूरा का पूरा फल मिलता था। सुन लो, जितनी पूजा करी है उसका पूरा फल। त्रेता में 3 गुना मिलता था, 1 गुना कटअप होता। द्वापर में जो पूजा करते थे उसका 50% मिलता, और कलयुग में जो पूजा की जाती है उसका 1/4 ही मिलता है बस। इतना अपराध करता है आदमी कि 75% तो खत्म हो जाता है, 54 भर मिलता है। श्लोक लिखा है इसमें, वर्णन किया, त्रेता युगे त्रपादम चह द्वापुरे अर्ध सदा स्मृतम कलौ पादौ तुभ्यम तत्पादोन ततो अर्ध के। द्वापुर में आधा, कलयुग में 1/4, त्रेता में 1/3 और सतयुग में पूरा। अब इसमें लिखने लायक बात क्या है, समझने लायक बात क्या है? इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपराध नहीं करता, भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है, स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कलयुग में भी उस व्यक्ति को धर्म सत्कर्म करने का सतयुग के बराबर पूरा ही प्राप्त होता है, कटौती नहीं होती है। ये आनंद की बात है। ये बात बहुत ठीक से सुनी है, मैंने इससे पुराण पहले भी सुनाई आपको, लेकिन मेरी हर कथा में एक नवीनता होती है। ये वो बात लिखी है, लिखाए ततस्य सूर्य ग्रहणे पूर्व कालोत्तमो विदुः जगद्रूपस्य सूर्यस्य अभिषेकाच्छन्न रोगदम। सूर्य ग्रहण के समय में जो अन्न वन्न खाते हैं उन्हें रोग घेर लेते हैं। सूर्य ग्रहण के समय पर, चंद्र ग्रहण के समय पर जो भी धर्म पुण्य सत्कर्म किया जाता है उसमें कटौती नहीं होती, उसमें पूरा मिलता है। लेकिन जो लोग भजनानंदी हैं उनको किए गए सत्कर्म का रोज सूर्य ग्रहण के बराबर ही रोज उनको पुण्य प्राप्त होता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय पर दान पुण्य भजन करने से, और धीमे बजाइए, उसमें पूरा का पूरा फल मिलता है। यहां पर बताया जा रहा है कि जो भजनानंदी लोग हैं, साधक हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कुकर्मी नहीं है, सदाचारी जीवन जी रहे हैं, उनको हर नित्य सूर्य ग्रहण के समय पर जो सदकर्म करने का पुण्य मिलता है उन सदाचारी लोगों को रोज ही सूर्य ग्रहण के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके भजन में कहीं भी कोई कटौती नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें वर्णन किया गया, अच्छे लोगों के सानिध्य में पहुंचकर हमारा भजन बढ़ता है, हमारी आराधना बढ़ती है। अच्छे लोग जो भजनानंदी है, कि श्लोक बड़ा सुंदर है,
यथा अर्थहीनो लोके अस्मिन पराशरं न यच्छति। जो स्वयं दरिद्र है वो दूसरे की गरीबी का नाश नहीं कर सकता। जो स्वयं दरिद्र है, जिसके पास स्वयं में धन नहीं है, वो दूसरे को धन नहीं दे सकता। इसमें लिखा है अर्थवानी ये लोके परस्यार्थम प्रेक्षति, वो दूसरे का सेव नहीं कर सकता। स्वयं शुद्धोई पूतात्मा नरान संतानुमरहति, जो स्वयं में पवित्र नहीं है वो कभी दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। दूसरे दिए को वो ही जला पाएगा जो दिया स्वयं में जल रहा है। जो स्वयं में बुझा पड़ा हुआ है वो दीपक कभी दूसरे दिए को जला नहीं सकता। जो अपने आप में अपराधी नहीं है, पापी नहीं है, ऐसा ही जीव दूसरों का कल्याण कर देता है। जो स्वयं में अपराध में ग्रसित है, ऐसा जीव कभी भी किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता। ऐसी कथा से महाप्राण जीवन में एक ऐसा गुरु चाहिए जो धर्मात्मा है, जो भजनानंदी है, जो स्वयं में ही जिसका दिया बुझा पड़ा है, वो दूसरे का दीपक क्या जलाएगा, वो दूसरे का दिया क्या जलाएगा। इसलिए कहा गया है पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। गुरु तपस्वी होना चाहिए, साधक होना चाहिए, गायत्री जप करने वाला होना चाहिए। सब लिखा हुआ है गायकम त्रायते पातात गायत्री अक्षते हिसा। गायत्री उसे कहते हैं जो गाने वाले को गिरने से बचा दे, साधक को गिरने से बचा दे, उसका नाम गायत्री है। गायत्री का अर्थ है तीनों कालों में सुबह मध्य शाम को हमें गिरने से बचाती है, उसे गायत्री कहते हैं। और इस गायत्री की साधना जिस गुरु ने की है, जिस महान भाव ने की है, जो स्वयं जल रहा है, प्रकाशित है, वह अपने शिष्य को प्रकाशित कर देगा, ज्ञान से भर देगा। जो स्वयं में ही बुझा पड़ा हुआ है तो वो बुझा हुआ दिया दूसरे को क्या जलाएगा। जो स्वयं में दर्द रहे वो दूसरे की दर्दता मिटा नहीं सकता। जिसके पास धन है वो दूसरे की गरीबी मिटा देता है। जिसके पास स्वयं में तपश्चर्या और ज्ञान है वो सामने वाले के अंधकार को मिटा करके खत्म कर देता है। ये अद्भुत बात इस ग्रंथ में कही गई, बहुत आनंद देने वाली बात कही गई है। भगवान नारायण का वाक्य है, ब्रह्मा आदि देवता सब ठीक से सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रोज सबसे पहले भगवान गणेश पार्वती का ध्यान करो। कितनी अद्भुत बात कही गई है, सुन लो भाई बहन मेरे। सुबह जागो, देवताओं का ध्यान करो, और जो सबका मंगल करते हैं ऐसे नारायण का, गुरुजनों का नित्य नाम लो। रोजाना प्रभु को कहिए, क्या कहना है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मे न च मे निवृत्ति, त्वया महादेव हृदस्तेन मया नित्योऽस्ति तथा करोमि। यानी हे प्रभु, हे भगवान, मैं धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ धर्म के बारे में। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर के मुझे प्रेरणा दें कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। मैं अल्प बुद्ध पापी कामी माया बस चक्कर खाता हूँ, शिवजी रहते मेरे घट में जो कहते हैं वही मैं करता हूँ। अपनी तरफ से कुछ नहीं मैं कर सकता भगवान, आप जो मुझे प्रेरणा देंगे मैं वही कर पाऊंगा। मैं अल्प बुद्ध पापी कामी मायावश चक्कर खाता हूं, शिवजी रहते हैं मेरे घट में वह जो कहते हैं वही मैं करता हूं। भगवान, आप मुझसे जो कराएंगे मैं वही कर पाऊंगा। ऐसा नित्य प्रातः बिस्तर छोड़ते समय भगवान का स्मरण कीजिए। कहिए भगवान, मुझे ऐसी जगह पर ले जाना जहां पर मैं अपने पूर्वज और देवताओं का अपमान न करा पाऊं, जहां पहुंचने में मेरा कल्याण हो रहा हो, मेरे पूर्वजों का नाम हो रहा हो, मेरे पांव वही जाए, मैं हाथों से वही करूं जो मेरे हाथ देव हाथ बन जाए। ऐसे नित्य प्रार्थना भगवान से कीजिए। शिव महापुराण हमें इतना स्वर संवाद देता है, इतनी अच्छी बातें हैं इसमें। गुरु चरण पादुकाओं का नित्य ध्यान कीजिए। मलमूत्र विसर्जन के लिए दूर गांव के